हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसा क्रिस्पी जालीदार घेवर, वो भी बिना किसी सांचा और मोल्ड के। सावन का महीना है, रक्षाबंधन तीज का त्योहार है, घेवर बनाना तो बनता ही है, तो देर किस बात की है, बनाना शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक ग्राइंडिंग जार, उसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे घी। तो ये वही चम्मच है जिससे हम राइस खाते हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं। और यहाँ पर घी का यूज करेंगे हम, थोड़ा मेल्टेड ही होना चाहिए, जमा हुआ जो घी है वो नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें क्या करूंगी, 3 से 4 में डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। अब हम इसको कवर करके 1 से 2 बार ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने जो अपना घी था इसको ब्लेंड कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ब्लेंड करने के बाद क्या होता है ना, इसका जो टेक्सचर ऐसे क्रीमी सा हो जाता है, ये देखिए कितना एकदम बटर जैसे हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर 1 कप ली है मैदा, ग्राम्स में है 100 ग्राम, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर में डाल रही हूँ 1/2 कप एकदम ठंडा दूध, ठंडे दूध का और ठंडे पानी का ही यहाँ पर हम यूज करेंगे। 1/2 कप दूध, 1 कप मैदा मैंने डाल दी है और 1/2 कप ही मैं डाल रही हूँ एकदम चिल्ड पानी। तो अब हम इसको कवर करके ऑन ऑफ करते हुए पल्स पे चलाएंगे 2 से 3 बार। तो ये देखिए, इसको मैंने ऑन ऑफ करते हुए 1-2 बार पल्स पे इसको चला लिया है और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है ना, क्रीमी हो गया है। हम इसको कंटिन्यू इसलिए नहीं चलाएंगे, अगर हम इसे कंटिन्यू ब्लेंड करेंगे ना, क्या होगा, हमारा जो घी है वो मैदा से अलग हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 कप ठंडा पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो बैटर है अभी काफी थिक है और घेवर बनाने के लिए हमें काफी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए होगा। इसको फिर से हम ऑन ऑफ करते हुए ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने इसको फिर से ब्लेंड कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ बेसन। बेसन डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। फिर से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे पल्स पर। बेसन डालने के बाद फिर से हमने इसको ब्लेंड कर लिया और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी सा टेक्सचर है और जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, एकदम फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। तो हमें इसी तरीके का बैटर चाहिए होगा घेवर बनाने के लिए। इसे मिक्सिंग बॉल लिया है, अब हम अपने बैटर को बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप बैटर देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बना है और जैसे मैं चमचे पे ले रही हूँ ना, तो इस पे एक पतली सी कोटिंग हो रही है, बहुत थिक कोटिंग नहीं है। ऐसा ही हमें घेवर के लिए बैटर चाहिए होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डाली है मैंने ज्यादा सी आइस क्यूब्स, थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब हमारा जो बैटर है इसके अंदर हम रख देंगे, या फिर आप इसको, अगर आप कुछ और काम करें, इसको आप फ्रिज में रख दें ताकि जो हमारा बैटर है चिल्ड बना रहे। तब तक हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे ली है एक बॉटल और बॉटल की जो कैप है ना, इसमें मैंने एक होल कर लिया है। बड़ी सुई से कर लें, स्क्रू ड्राइवर से कर लें, जो भी आपके पास हो उससे कर लें। और ये बोतल ना स्टिंग की है, पानी वाली बोतल या कोल्ड ड्रिंक वाली जो बोतल आती है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने बैटर ले लिया है। अब बैटर में मैं क्या करूंगी, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें नींबू का रस। नींबू का रस डालने से क्या होता है, हमारा जो घेवर है बहुत क्रिस्पी बनता है और जालियां भी बहुत अच्छी पड़ती हैं। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने नींबू का रस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक ग्लास में हम अपना बैटर भर लेंगे। ग्लास में करने के बाद क्या करेंगे, हमारी जो बोतल है ना, इसके अंदर अपना जो बैटर है डाल लेंगे। इजीली इसमें फिर डाल जाता है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट चमचे से डालेंगे तो इधर उधर बिखरने लगता है। तो मैंने इसमें बोतल में बैटर अपना भर लिया है। तो अब मैं इसको वापस से आइस वाले बॉल में रख दूंगी या फिर आप फ्रिज में रख दें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है सॉस पैन, तो इसके अंदर मैंने 1/2 घी डाला है और 1/2 रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो पूरा घी भी डाल सकते हैं या पूरा रिफाइंड ऑयल भी। और जितना बड़ा आप बर्तन का यूज करेंगे उतना ही बड़ा आपका घेवर बनकर तैयार होगा। ध्यान रखें, जो हम बर्तन यूज करें उसका जो आला है वो हैवी होना चाहिए और ऐसे ऊंचाई में होना चाहिए। आप इस तरीके का जो हमारे घर में भगोने होते हैं ना, उनका भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने, और तेल मैंने इसमें डाल दिया है और तेल हमारा अच्छा गर्म भी हो गया है। पेस्ट डाल के देख लिया था तो हमारा जो पेस्ट डाला ना, वो बबल होके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो तेल है अच्छा गर्म है। ध्यान रखें, घेवर बनाने के लिए तेल जो है बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। तो अब हमारी जो बॉटल है ना, इससे थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर डालते जाएंगे, इस तरीके से बीच में डालेंगे, बैटर डालते जाएंगे, थोड़ा डालेंगे फिर रुक जाएंगे और सेंटर में ही हम बैटर को डालेंगे। जैसे ही बबल्स कम हो जाएं फिर से डाल देंगे। में बार बार बैटर डालने से क्या होता है, तेल का टेम्परेचर कम हो जाता है और जिससे हमारा घेवर अच्छे से नहीं पक पाता है। थोड़ा बैटर डालेंगे, रुक जाएंगे और फिर जैसे ही झाग कम आने बंद हो जाएंगे फिर से सेंटर में बैटर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर हम अपना घेवर बना लेंगे।
झाग कम हो गए हैं, फिर से बैटर डालेंगे और जैसे ही झाग आएंगे फिर से रुक जाएंगे। हाई रखेंगे और फिर से सेंटर में बैटर डाल देंगे। इसे बैटर डाल देंगे, जितना घेवर आप मोटा बनाना चाहें उतना बैटर इसमें डाल दें। करेंगे एक नाइफ लेंगे और घेवर को किनारे किनारे करते जाएंगे और बीच में जगह बना लेंगे। सेंटर में जगह बनाई थी उसमें फिर से बैटर डाल, झाग आए हैं तो फिर से रुक जाएंगे, साइड साइड करते जाएंगे अपने घेवर को, फिर से सेंटर में डाल देंगे। जैसे ही झाग कम हो जाएंगे फिर से सेंटर में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, एक साथ बहुत ज्यादा बैटर नहीं डालेंगे। तो हमारा जो पैन है पूरा भर गया है, अब इसमें सेंटर में जगह नहीं रही है, तो अब हम इसको पकने देते हैं। तो जब आपको लगे ना थोड़ा सा ये गोल्डन हो गया, तो नाइफ की हेल्प से इस तरीके से इसके किनारे से इसको थोड़ा थोड़ा रिमूव कर दें और इसको इस तरीके से प्रेस करके नीचे कर दें, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो कलर आपको जितना गोल्डन रखना है उतना आप इसे सेक लें, आप चाहे तो थोड़ा व्हाइट भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इतना ही गोल्डन रख रही हूँ, बहुत ज्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी। तो मैं देखते हैं पैन से कितनी आसानी से निकल गया है और बहुत ही अच्छा इस पे कलर आया है। तो मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। और हमारा ऑयल बहुत गर्म है, अच्छे से इसमें बॉईल आ रहा है। तो मैंने फिर से बोतल में जो बैटर था अपना भर लिया। फिर से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे और जैसे ही झाग बंद हो जाएगा फिर से डाल देंगे, झाग कम हुआ फिर से डाल देंगे। इसी तरीके से हम अपना पूरा घेवर बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और ध्यान रखें जो हम बैटर है सेंटर में ही डालेंगे, बीच से इसको हम नाइफ की हेल्प से किनारे किनारे करते जाएंगे इस तरीके से। जब कच्चा रहे इसको टच ना करें, नहीं तो ये टूट भी सकता है। फिर से सेंटर में डाल देंगे बैटर। तो देखिए दूसरा घेवर भी हमारा रेडी है। अब हम इसको गोल्डन कर लेते हैं, इस तरीके से नीचे कर देंगे ताकि अच्छे से ऊपर से भी गोल्डन हो जाए। तो हमारा दूसरा घेवर भी रेडी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। बाकी बैटर का भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो हमारे सभी घेवर बनकर तैयार हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और इतने बैटर से हमारे तीन घेवर बन गए हैं। तो हमारे घेवर तो बन गए हैं, अब घेवर को मीठा करने के लिए हम बना लेते हैं चाशनी। तो मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं आधा कप डाल रही हूँ चीनी और चीनी का आधा डालेंगे पानी। तो मैं आधे कप से भी आधा डाल रही हूँ इसमें पानी। तो अब हम क्या करेंगे, चीनी को मेल्ट होने तक इसको पका लेते हैं। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो चीनी है ना इसमें चिपक जाती है पैन में। मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा इलायची पाउडर, आप केवड़ा वाटर या फिर रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं। पर हमें चाशनी तार वाली नहीं बनानी है, हल्की सी चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो चीनी है अच्छे से मेल्ट हो गई और हमारी चाशनी हो गई है रेडी। तो फ्लेम बंद कर देते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ले रही हूँ ना, तो ये तार वाली नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे चिपचिपापन महसूस हो रहा है। इसी तरीके की हमें चाशनी चाहिए होगी, तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। लीजिए हमारे सभी घेवर बनकर तैयार हैं और हमारे एक कप मैदा से हमारे तीन घेवर बन गए, इतने क्रिस्पी बने हैं ना। तो इसको मैंने इसके ऊपर नीचे रख दिया था ना, थोड़ा सा टूट गया है। तो अब हम कर लेते हैं दूसरा काम। तो यहाँ पे मैंने ली है रबड़ी। तो मैंने क्या किया था, आधा लीटर दूध लिया, उसको मैंने कढ़ाई में डालकर ना इस तरीके से गाढ़ा कर लिया था। तो मैंने इसलिए पहले बना लिया था ताकि जो हमारा रेसिपी बनाने में समय कम लगे। और इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया था मीठा, ताकि जो हमारी रबड़ी है मीठी हो जाए। आरा शुगर सीरप भी हो गया है ठंडा। अब हम यहाँ पर एक घेवर लेंगे, उसे चाशनी डालकर मीठा कर लेते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम सारे घेवर अपने मीठे कर लेंगे। सभी घेवर हमारे मीठे हो गए हैं। तो अब कई लोग क्या करते हैं, किसी को मावे वाला खाना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगी, एक घेवर लिया है मैंने यहाँ पे, तो इसपे मैं ना रबड़ी लगा दूंगी इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी रबड़ी की इसमें कोटिंग कर दें। अगर आप ज्यादा रबड़ी खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसको कोटिंग कर लिया है। तो मैं क्या करूंगी, एक घेवर ही यहाँ पे मैं मावे वाला बना के रखूंगी, दूसरे को हम ऐसे ही रखेंगे। जब हमें खाना होगा तब हम उसे मावे से कर लेंगे कोटिंग। तो अब हम क्या करेंगे, अपने घेवर की कर लेते हैं गार्निशिंग। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से कटे हुए पिस्ते लिए हैं। तो गार्निशिंग के लिए आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट सिल्वर वर्क का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी हम गार्निशिंग कर देते हैं। और यहाँ पर लिए हैं मैंने थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए। तो यहाँ पे मैंने 2 घेवरों को कर लिया है मावे से कोटिंग और इसकी भी हम गार्निशिंग कर लेते हैं इस तरीके से। अब पिस्ते से कर देंगे। लीजिए हमारे घेवर हैं तैयार। इसको हम ऐसे ही फ्रीज में रख देंगे, जब हमें खाना होगा तो हम इसको रबड़ी लगाकर
कर लेंगे रेडी। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है घेवर घर में बनाना, और बहुत एक कप मैदा से आपने कम से कम 1 से 1.5 केजी जो घेवर है बनाकर तैयार कर लिया है। बनाना भी बहुत ही आसान है, मार्केट में 600-700 रुपए किलो मिलता है, और घर में सिर्फ 1 कप मैदा से आप इतने सारे घेवर बना सकते हैं। सावन में स्पेशली घेवर को बनाया जाता है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।